नमस्कार, जय हिंद। आज का विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। भारत सरकार के द्वारा जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत मेरा वोट मेरा भविष्य के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि देश के भविष्य के लिए सही नेतृत्व करने वाले नेता का चयन किया जा सके और देश का विकास दिनों दिन आगे बढ़ता जाए। इस संबंध में 18 वर्ष के हरेक युवा को मतदान हेतु जागरूक किया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस संबंध में गांव-गांव में चौपाल और बैठकें आयोजित की जा रही है। स्कूल ऑफिस और गांव के मुखिया के द्वारा भी इन जागरूकता हेतु को जागरूक किया जा रहा है। देश के लिए गर्व का विषय है। हमारे देश के विभिन्न क्षेत्र के एक युवा के द्वारा गांव के लोगों को रोगन लिख कर जागरूक किया जा रहा है। उस युवा का नाम आर्य विजय है, जिसकी समाज और अन्य लोगों के बीच काफी तारीफ की जा रही है। मुखिया जी, आपने हमको क्यों बुलाया? अरे बिट्टू जी, आज मतदान हेतु चर्चा करना है, इसलिए गांव के युवा को बुलाया गया है और हमें किसी भी तरह से अनिवार्य रूप से वोट करना है। और बहुत ही कीमती चीज है, एक वोट से जीत और हार होती है और हमें अच्छा नेता चुनना है, इससे गांव और देश का विकास हो सके। ठीक है मुखिया जी, तो मैं गांव के लोग को बुलाता हूँ। भाई और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों को हमारे वोट के संबंध में जानकारी दे रहा हूँ। देश को जोगे नहीं उड़ा, देश को जोगे नहीं उड़ा। क्या आप लोगों को मालूम है कि कितने वर्ष के उम्र से काम किया जाता है? कितने वर्ष के लोगों को? 18 साल। हमको कैसे लोगों को वोट देना चाहिए? जो गांव मतदान करने जाना है, आपको मालूम है कि नहीं? मालूम है भैया। तो तुम्हारे घर में कितने वर्ष के लोग हैं? 2 लोग। तो आप लोग वोट देने जाओगे कि नहीं? मैं जाऊंगी, पर मेरे भैया काम करने जाएंगे। अरे बहन, वोट देना बहुत जरूरी है। एक वोट बहुत कीमती है, एक वोट से सरकार बनती है। भैया को वोट देने जरूर भेजना। जरूर भेजूंगी भैया, उसे काम करने के लिए एक दिन मना कर दूंगी। वोट दे के ही हम कहीं जाएंगे। अरे आप क्या कर रहे हो? वोट देने नहीं जाना है क्या? अरे आप वोट देने क्या कर रहे हो? आपने जो लड़ा उसे लड़ने दो। अरे भाई, तुम लोग वोट नहीं दोगे तो गलत तुम्हारी बात जीत जाएगा, अच्छा आदमी हार जाएगा। तुमको वोट देने जाना जरूरी है, हमारा ये अधिकार है। हम लोग अच्छा व्यक्ति नहीं चुनेंगे तो कौन चुनेगा? आप लोग ताश खेलना बंद, ये एक सामाजिक बुराई है। ताश खेलने से हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है हमारा देश का भविष्य बनाने के लिए अच्छे प्रत्याशी वोट देकर जीता है। सही सही बात है भैया, आज के बाद हम कभी मतदान से नहीं मुड़ेंगे। चलो भाई, उठो वोट देने जाते हैं और 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति को भी वोट देने के लिए लेकर जाते हैं। चलो, तुम्हारी दादी माँ को भी वोट देने नहीं जाते हैं? वो तो बुजुर्ग आ जाए। नहीं भाई, उसे हम भाई में बिठा कर ले जाते। एक वोट जीत हार तय करता है। ठीक है ठीक है, कदम ले चलते। आप आगे बढ़ो।